ओह माय गॉड गाइस, एक कबर, दो कबर, तीन कबर। ओ भाई, रात को हम कबर के पास घूम रहे और मैगी बनाने में हमें कितनी मेहनत लग रही, तुम देख सको भाई कैसे धुआं आ रहा निकल निकल के। रात के टाइम ये किसी जानवर की हड्डी है। रात के 11:42 हो गए। डॉगी नायू, डॉगी नायू भाई, यहाँ सुरंग है। गाइस अभी किसी लेडीज की आवाज आ रही, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कोई लेडीज है अंदर जंगल में। सो गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं CHOP के व्लॉग। गाइस आज मैं बता दूं आप लोगों की, आज हम करने वाले हैं कैंपिंग, वो भी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाली कैंपिंग करने वाले हैं, वो भी रात में कैंपिंग करने वाले हैं जंगलों के बीच में। वहां पे हम भाई रात को कैंपिंग करने वाले हैं, और वहां पे तुम्हें बता दूं भाई रात के टाइम कुछ भी जंगली जानवर आ सकता है। जंगली कुत्ते, हिरन, बाघ, जंगली नीलगाय, जंगली सांड, इस टाइप के जंगली जानवर भी वहां आ सकते हैं। शेर आ रहा, अगर वहां पे शेर आ गया ना भाई तो समझ लेना कि मामला खत्म। गाइस अभी खाते हैं खाना, खाने में पनीर पराठा खाए। गाइस कोई चैलेंज ऐसा भी बताओ जो मैं व्यू के साथ भी कर सकता हूँ। हम ना भाई चैलेंज, कैंपिंग, एक्सपेरिमेंट, सब कुछ खतरनाक खतरनाक काम करेंगे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? गाइस वैसे व्यू को ले जाना खतरों से खाली नहीं होगा, इसलिए व्यू का कैंसिल ही कर देंगे। ये कह रहा है कि भाई कोई कितना भी बड़ा खतरा आ जाओ मेरे साथ तो भोलेनाथ है, जय भोलेनाथ बोल रहा। हो सकता है भाई अपने साथ पीकू, अल्फा, लूसी, खबीसी, किसी को भी ले जा सकते हैं। देखते हैं भाई कौन अपने साथ जाने वाला है, इतनी ज्यादा खतरनाक वाली कैंपिंग है। गाइस अभी झोला भर के सामान ले लिया खाने पीने का, अपने साथ पीकू भी जाएगा, तुम्हें पूरा भरोसा है। पीकू के लिए जैकेट वगैरह भी ले ली क्योंकि रात के टाइम ठंड लगेगी ना। गाइस पेट्रोल पंप पे आ गए पेट्रोल डलवाने के लिए। परा कुत्ता है, आ जाओ रे, आ जाओ रे। नहीं 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 पीकू, नो नो भाई, रहने दे। ओए ओए पीकू, पीकू लो, पीकू लो, पीकू लो। गाइस अभी यहां पंगा हो गया। गाइस अभी लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, अभी इसे वापस भेजते हैं क्योंकि रात का टाइम हो। ये चैलेंज हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है और बहुत ज्यादा डेंजर भी होने वाला है, हमें 3 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। गाइस इसका पट्टा वगैरह कुछ नहीं लेके आए, बस इसे ऐसे ही लेके आगे। गाइस अभी लोकेशन पे तो पहुंच गए भाई, जंगली कुत्ते भौंक रहे बार बार। मैंने ना पीकू को देख लो भाई क्या जुगाड़ करके बांधा, ये चेक करो हम किस पेड़ के नीचे है। ये भाई बहुत पुराना पेड़ है, घना पुराना, उसे पहले ही भाई हम बिल्कुल पेड़ के नीचे आ गए। अब हम जा रहे हैं भाई अंदर जंगल में, डीप जंगल के अंदर। आज ना रात को हम यही रुकने वाले हैं पीकू, आराम से। बिल्कुल घना जंगल आने वाला है सामने भाई, पूरा खतरनाक जंगल है और इस जंगल में इस टाइम कुछ भी मिल सके। अब भाई ये देख लो कितना गहरा जंगल है। हाँ। लेकर जल्दी ओए, सारे एक साथ रहो। हम सारे के सारे टीम में 6 मेंबर है और 6 के 6 हमें एक साथ रहना। हमने जंगल के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बहुत आराम से। गाइस हम पहले कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम जाके रुक सके, आराम से बैठ सके। रास्ता देखो, रास्ता, पानी नहीं लाए यार, बोतल में पानी ले आए। गाइस ये गड़बड़ होगी भाई, जंगल में हमें अंदर पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले 2 बोतल पानी भर के लाना पड़ेगा क्योंकि हमें खाना भी बनाना और रात के टाइम चाय वगैरह बनानी। गाइस अभी किसी लेडीज की आवाज आ रही, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कोई लेडीज है अंदर जंगल में। किसे सुनी आवाज, भी सुनी मैं जे सुनी, बाकी 2 को नहीं सुनी, बट भाई हमें सुनी एकदम से। भाई ना उन्हें भेज दिया पानी लेने के लिए क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। भाई यहाँ कोई नहीं दिखने का तुम्हें रात के टाइम बिल्कुल भी, पूरा घना जंगल है। और अब हम इस जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आराम से रुक के बैठ के हम रात के टाइम थोड़ा बहुत स्टे कर ले, खाना बना ले। ठंड का अंदाजा तुम लगा सकते हो कि कितनी ठंड हो रही है, और हमारे पास रुकने के लिए ऊपर छत नहीं होगी, खुले आसमान के नीचे रुकने वाले हैं। ये भी रास्ता ढूंढ रहे कहाँ को जाए इस जंगल में क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना ना। कैसी आवाज सुनो भाई जान से, कैसी आवाज आ रही है। टाइम 7:23 हो गए, इतनी रात होगी कि ये देख लो भाई कुछ भी नहीं चमक रहा। इस टाइम ना अजीबोगरीब आवाज आनी स्टार्ट होगी भाई, दिक्की लाइट दिक्की आ रहे हैं सारे। आज पीछे जंगली कुत्ते ऊंट चढ़ा रहे भाई, सेफली ले आए। यस भाई, जंगली बिल्ली मुझे पड़ी थी, सुनो खा रखी थी। आज भी ज्यादा डीप जंगल के अंदर घुसते जा रहे यार भाई, जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा, हम इतने जंगल के अंदर घुस गए। ओह माय गॉड गाइस, भाई इधर की तरफ तो रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी, वापस जाना पड़ेगा इधर से। तो
भाई साहब यार दूसरे ढूंढ लिया भाई, नीचे उतरना पड़ेगा। ओए बोल लो मत, आज इस टाइम बोल लेना। ओए पीको आराम से भाई, पीको आराम से, अब रुक जाओ भाई पीको। आज बिल्कुल जान से जाना पड़ेगा भाई, रास्ता ढूंढते ढूंढते। भाई ये देख लो कितने खतरनाक जंगल के अंदर को घुसते जा रहे हम। भाई अभी रास्ता ढूंढ लो भाई। बट ये नहीं पता भाई ये रास्ता कहाँ तक सीमित है। ये ना जंगल का सबसे खौफनाक एरिया है और हम ना यहीं घुस गए भाई। इनके दो भाई पीछे रह गए, वापस जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। पीकू तू आराम से चल भाई। गाइस पीकू ये रह गई, मैं पीकू जल्दी आ जाओ जल्दी। अभी जंगल में स्टे करने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही ना भाई। सच्चू का चैलेंज कर रहे हैं, जिसे सच्चू का कहते हैं ना। आज तक मैंने इतना खतरनाक चैलेंज अपनी जिंदगी में नहीं करा और ना आज तक इतना खतरनाक यूट्यूब पे देखा, क्योंकि भाई सब ना पहले ही आ जाए और हम रात को इस जंगल के अंदर घुसे ना, हमें नहीं पता कि हमें रुकना कहाँ, बैठना कहाँ, स्टे कहाँ करना। हमारे पास भाई खाने पीने के लिए सामान है, तो रेतीली मिट्टी आ गई, ऊपर चढ़ना भी मुश्किल होगा भाई। एकदम से खाई है, अगर खाई में गिर गया ना भाई तो ये मान लियो सीधी मौत ही है। आगे तुम भी एक जंगली कुत्ता भौंक रहा, बार बार भौंक रहा और बहुत तेज भौंक रहा और हमारे पास ही आ रहा भौंकता भौंकता। लेकिन पीकू को मैंने पूरा जुगाड़ करके बांध रखा, बट भाई पीकू की नज़र उसी के ऊपर है कि बस तू एक बार तो आ जा। अब ये कौन है? अच्छा ये तो अपने गैंग का ही है। गाइस अभी थक हार के एक लोकेशन मिली है, यहाँ बैठ के सारे के सारे भाई जो भी सामान है ना खाने पीने का वो सामान निकालते हैं भाई। हमारे पास मैगी है खाने के लिए, मैगी तो बनाने के लिए हमें आग जलानी पड़ेगी, अब आग जलाने के लिए हमारे पास सिलेंडर वगैरह गैस वगैरह कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं बिस्किट वगैरह, नट क्रैकर वगैरह, नमकीन वगैरह और चॉकलेट वगैरह खाते हैं। बट भाई ये जो जंगली कुत्ता है ये बार बार भौंक रहा। ये भी पीछे मुझे जान लग रहा था, अब ये नहीं पता वो क्या था। भाई हम नहीं कसम कुछ था है? पता नहीं यार क्या था, पता नहीं है। देखा छोटा सा था अपनी मम्मी कसम। कैसा था? छोटा सा था, कोई जंगली जानवर ही होगा। जाओ वापस। कौन है? ज्यादा गमत जाओ, रिस्क ना ले यार, जंगली जानवर होगा। जाओ वापस, ज्यादा रिस्क नहीं लेने के भाई, जंगली जानवर ही मिलेंगे। वैसे अगर कोई जंगली जानवर होता तो भाई बहुत तो जरूरी मां कसम सच्ची भाई यार, तुम मजाक मानने सच्ची ले था, बड़ा छोटा सा था कुछ है। गाइस अभी हवा टाइट होनी स्टार्ट होगी भाई। हां ओ भाई, भाई ये मेरे को जंगली कुत्ता ही लग रहा भाई। कहां गया ये रहा गाइस जंगली कुत्ता। पीकू को कंट्रोल करना पड़ेगा। पीकू नो, पीकू भौंकिए मत प्लीज, रात का टाइम है। नो पीकू, चुप चुप ना बोलो, चुप 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 चुप। गाय जी अगर भौंकेगा ना तो सारे जंगली कुत्ते एक्टिव हो जाएंगे एकदम से। चला गया क्या? चला गया। गाय जी लाइट बंद करनी पड़ेगी क्योंकि लाइट में ऐसा दिख रहा, वो चला गया उधर। गाय जी अभी खाने पीने के सामान में हमारे पास बिस्किट है, नमकीन है और दूसरा बिस्किट है। बाकी सारा सामान हमने मैगी वगैरह ला रखी, चाय वगैरह बनाने के लिए दूध वगैरह भी ला रखा। ये वाला डर ज्यादा है कि यहाँ पे ना जंगली जानवर आ सके। पीकू के लिए घर से खाना लेकर आए थे और पीकू का खाना भाई जंगल में मिलना नामुमकिन है क्योंकि ये वेजिटेरियन है भाई। मैं इसे खिला रहा हूँ पूरी, ला भाई पीकू पूरी खा। इसके लिए घर से खाना लेकर आया था मैं, एक एक करके इसे खिला दूंगा। इधर की साइड में पीकू देख रहा क्योंकि ऊपर ना आग जलाने का इंतजाम कर रहे थोड़ा, और इधर की साइड में ही देख लो भाई क्या है। ठीक क्या होगा तुम्हें? अब भाई हमें भी नहीं पता क्या है, ये चला गया वापस। ये देख लो, ये रहा पीकू को नहीं देखना चाहता, बस पीकू पर रख, पीकू नहीं पर रखो, पीकू पर देख, पर देख, पर देख, पीकू पर को पे कहे। गाइस अभी आग जलाने के लिए ईंट वगैरह ढूंढ रहे, मिला कुछ गाइस? ये जंगल कोई ऐसा नॉर्मली जंगल नहीं है भाई, ये देख रहे हैं भी तुम्हें लग रहा होगा कि कितना खतरनाक जंगल है। आ जा। ओ भाई ये क्या हड्डी मिल गई, ओ भाई रात के टाइम ये किसी जानवर की हड्डी है भाई। जी किसी का जुबाड़ा पड़ा भाई रात के टाइम। कम ऑन पीकू, नो नो पीकू, नो नो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गाइस मैं कहां, मैं कहां, मैं भी चढ़ गया गाइस यार, मैं कहां आ गया भाई एकदम से।
अबे मैं कौन से जंगल में घुस गया गाइस, मैं अपने गैंग वालों से थोड़ा दूर हो गया। चल 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 फिर चल। ये यहाँ सुरंग है, इस सुरंग को ऊपर से खोद गए, यहाँ गड्ढा बना के आराम से खाना बना सके हम। जैसे जैसे जुगाड़ करके देसी चूल्हा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लो भाई, ये सुरंग किसी भी जंगली जानवर की हो सके, किसी सांप वगैरह की हो सके। गाइस एकदम से आवाज आनी शुरू हो जाए भाई, हम ना एकदम डर रहे, पता नहीं कैसी अजीब गरीब आवाज आ रही है एकदम से। ऐसा लगे जैसे कोई आदमी बात कर रहा है आपस में। भाई साहब शांत बिल्कुल बोलियो ना कोई भी। आज का चैलेंज हमारे लिए सबसे जिंदगी का फाड़ू चैलेंज है भाई। आज तक इतना खतरनाक चैलेंज मैंने करा नहीं था कभी। अपने गैंग वालों को कुछ मिलेगा भाई, उन्हें पता नहीं क्या दिखा। हाँ था भाग गया, पता नहीं क्या था। गाय ये नहीं पता लग रहा भाई, यहाँ दिख जा रहा हमें, कभी कुछ दिख रहा कभी कुछ दिख रहा। गायब हो गया, कहीं गड्ढा, वही रुको कहीं गड्ढे वड्ढे मैंने लुक गया वो। देखो नो नो वही ज्यादा अग्गे मत जा, ज्यादा अग्गे मत जा। गाय यहाँ गड्ढा है, वो यहाँ यहाँ छुप गया होगा, तो कोई ना कोई जंगली जान। क्या हो गया देखो देखो क्या है। गाइस अभी गैंग के कपिटर सारे लग रहे थे भाई चूल्हा बनाने के लिए, किसी पर कुछ नहीं हुआ। अभी तुम्हारा भाई जुगाड़ करेगा। अब भाई चूल्हा बनाने के लिए तुम्हारे भाई ने ये लोकेशन ढूंढ ली। गाइस अभी जुगाड़ करके बना दिया चूल्हा। ये देख लो भाई, ये एक सुरंग सी मिल गई थी, वो वाली सुरंग तो फैल होगी लेकिन ये वाली ठीक थी। इस वाली सुरंग में एक इंटी इधर लगाई साइड में, थोड़ा सा जुगाड़ करके पतीली रखने का जुगाड़ कर लिया। अब इसके नीचे आग लगा के सबसे पहले बनाएंगे मैगी, खाओगे चाय। दाबी को भाई पी को तू ना बोंका कर यार, पहले बनाते हैं मैगी खाओगे। मैगी नहीं चाय बनाएगा, बोतल मंगा लेंगे। अपने पास जंगली जानवर ना आवे उसके लिए हमने पत्थर भी इकट्ठे कर लिए छोटे छोटे। आज भी पहले क्या करते हैं ये बनाते हैं, ये हम लेके आए थे मैजिक बटर फ्लेवर, 3 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे पॉपकॉर्न। भाई पॉपकॉर्न बनाओगे पहले। भाई ये समझ में नहीं आता ये आवाज क्या हो है। गाय जब तो सारे जंगली कुत्ते भी शांत हो गए। उधर क्या आ रहा है यार, ये पता नहीं भाई कैसी आवाज आ रही। एक वीडियो में देखा दो पत्थर था, एक बड़े पत्थर ला ढूंढ गए, दो रेल पत्थर, यहाँ तो कंकर भी नहीं पैरी। ऐसे भी पत्थर क्या मिलेंगे, ईंट ही नहीं मिली यार यहाँ, जिससे कि हम यहाँ चूल्हा बना सके। चूल्हा बनाने का जुगाड़ भी ये देख लो कैसा करना पड़ा। ओ भाई डर गया था मैं तो। भाई अपने गैंग वाला ना जब बिना बताओ उरे पर चला जा तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ आ गया अपने पास ही, मतलब हम बैठे और एक उठ के चला जाओ उरे पर, भाई डर लगना शुरू हो जाए अपने आप ही। पानी में क्या आ रहे हो भाई, जो डोगी ना आयु, अब डोगी ना आयु भाई। ओ पीछे चलो सारे, ओ सारे पीछे जाओ, पीछे पीछे चलो। एक और आ गया भाई, अगर डोगी होता तो भाई पीकू भूखना स्टार्ट कर देते एकदम। ऊपर हो जा तू, ऊपर आ, ऊपर आ। चुप। गाय अभी अब पता लग जाएगा भाई क्या था ये। भाई साहब ओपे गायब हो गया यार वो, भाई यार वो पेड़ के पीछे गायब हो गया, आया नहीं वो आगे। लाइट लगा जल्दी जल्दी आ इधर, लाइट लगा जल्दी। गाय वो आया ही नहीं भाई, यहां से गायब हो गया वो। भाई समझ में नहीं आ रहा वो क्या था यार। भाई एकदम आया पानी में से निकल कर, वो पर अरे दिखा तो होगा। देखो कैसा लग रहा भाई, अपने पास ये वाले पॉपकॉर्न है, अब इसमें पॉपकॉर्न डालते हैं। भाई ये बनेंगे कैसे हमें ये भी नहीं पता, बस डायरेक्ट हम तो पतली में डाल रहे हैं। ओबे क्यों क्या सुधा है निकल के इसमें आया, देखते हैं पॉपकॉर्न कितनी देर में बनेंगे। अबे पॉपकॉर्न में तो तुमने यार धुम्मे की कण गेर दिए, बनने शुरू हो गए भाई पॉपकॉर्न। एक बन गया पॉपकॉर्न, ओ एक पॉपकॉर्न बन गया यार, पॉपकॉर्न बनने स्टार्ट हो गए। ओ माय गॉड उतर गए, ओए ओए उड़े लगे उड़े लगे, रोको रोको इन्हें। अरे भाई पतीली गिर गई यार, ओए पतीली ना गिर जा गाइस, कुछ पॉपकॉर्न बाहर निकल के गिर गई। अबे रोई से ढक ढक से आई फुगी,
पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो गया, पतीली उठानी पड़ेगी, रुक 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 पतीली को मजबूती से उठाइए, अब गिर गई सारी पॉपकॉर्न। अब भाई यार भाई गड़बड़ हो गई भाई, पतीली उठानी पड़ेगी भाई, इसके अंदर पॉपकॉर्न है। ओए पतीली हट जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ भाई, अभी पॉपकॉर्न ना जल गए सारे मारे। देखते हैं भाई कुछ पॉपकॉर्न बचेगा इसमें, वरना सारे जल गए होंगे। अबे यार पॉपकॉर्न की हालत देख लो कैसी होगी, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पॉपकॉर्न बना दिए गाइस हमने। बस गाइस अभी पतीली उल्टी कर ली, अब इसमें से निकालते हैं पॉपकॉर्न, जले हुए पॉपकॉर्न तो इसके अंदर ही चिपक गया, अब ये खाते हैं भाई। अरे के सारे बैठ गए भाई पॉपकॉर्न खाने के लिए। इधर भाई प्याज कट के रेडी हो गए, अभी थोड़ी देर में मैगी भी बनाऊँ। गाइस वैसे इन जले हुए पॉपकॉर्न में बहुत मजा आया, और तुम सुनसान जंगल के अंदर हो तो। और गाइस एक बात और बता दूं, जंगल में ना कोई प्लेट है, मतलब जिस प्लेट पे हम इसे इन्हें उल्टा करके खा लेते, जिस पे हम बैठे थे ना उसी पे उल्टा करके उसमें से निकाल के तब हम ये खा रहे। आग के पास खड़ा हो गया तो थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो गया, ठंड कम लगे। अभी तैयार करने वाले हैं चाय, गरम गरम चाय पियेंगे और उसके बाद बनाएंगे मैगी। अभी मेरे को लग रहा है कि ठंड होना स्टार्ट होगी, भाई पीकू की जैकेट अपने साथ ही लाया था तो पीकू की जैकेट पहनाता हूँ पीकू को। और ये लो भाई फाइनली चाय बनके बिल्कुल रेडी होगी, अब चाय का एक कप पी के ठंडी दूर करेंगे। तो ये लो भाई आप भी आ जाओ रात को जंगल में चाय पीने का मजा लेके, देखो कैसी लगेगी तुम्हें चाय। गाइस अब इतनी रात होगी कि जंगल चमकना भी बंद हो गया, मतलब कि हम लाइट जला रहे हैं तो बस हम ही हम चमक रहे, पूरा जंगल चमकना बंद हो गया। जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना तब भाई जंगल भी चमक रहा था, लेकिन इस टाइम पे ना जंगल चमकना बंद हो गया क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड और धुंध आनी स्टार्ट हो गई है, देखो कैसे धुंध चल रही। गाइस इधर की साइड में पीकू को देख लो कैसे लेट रहा, पीकू भाई कंबल के ऊपर आराम से लेट रहा, ये तो यहाँ आराम से सो रहे, पीकू भी यहाँ बैठा रखा। अभी चलते हैं भाई मैगी बनाने के लिए, मैगी बनाते हैं रात को। अरे किसी के बस की नहीं आया सर्वाइव करना, अपनी जिंदगी में भाई ऐसा चैलेंज कभी करने की सोची नहीं थी, जितना एक्सट्रीम लेवल का खतरनाक चैलेंज हो गया ना ये, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। ऊपर से ठंड, पूरा जंगल, जंगली जानवरों का डर, बराबर में नदी, कुछ भी निकल कर आ सके। जंगल में कुछ चमक तो रहा नहीं भाई, अपना एक खपिटर गिर के ऊपर से रपट के गिर गया। अब यार तुझे कुछ दिखता नहीं के, ओ ठाओ इस आराम था, मामला क्रैक हो गया। चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी, अब तेरा चोट महसूस नहीं होती भाई, देख लो क्या हालत होगी इसकी। मैं देखो तम गाइस अभी सर्दी से बचने के लिए सब जुगाड़ करने लग रहे अपने, अभी मैगी कुछ अलग तरीके से बना रहे। गाइस अभी रात के 11:42 हो गए और इस टाइम पे मैगी बनने वाली है, अब डालते हैं भाई मैगी इसके अंदर। ये देख लो भाई अब मैगी जाएगी इसके अंदर, मैगी खाने का जो स्वाद है ना वो आज आने वाला है भाई, आज खाने वाले हैं हम बढ़िया मैगी। 12:00 वाले हैं, अभी मैगी भी बनने लगती पीछे, लेकिन हम लकड़ी भी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। 11:47 हो गया, अभी तुम्हें गूगल पे दिखाता हूँ भाई टाइम क्या हो गया, रियल टाइम। गाइस ये लो भाई 2 डे रियल टाइम ऑन गूगल, 6:48 देहरादून लिखा हुआ है यहाँ, वैसे हम उत्तर प्रदेश में है गाइस, ये देहरादून पता नहीं वैसे क्यों आ रहा लिखा हुआ है, लेकिन भाई मैं तुम्हें रियल टाइम दिखा रहा हूँ ऑन गूगल। ये देख लो भाई गूगल पे सर्च कर रहा हूँ ये करंट टाइम इन इंडिया विद सेकंड लो गाइस, करंट टाइम 11:49। और गाइस अभी लकड़ी ढूंढनी स्टार्ट कर दी, सूखी सूखी लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ भाई ये देख लो टाइम सेम है, मैं गूगल पे दिखा रहा गाइज, मैं गूगल पे इसलिए दिखा रहा क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि भाई तू झूठ बोल रहा हो, कभी इतने जंगल में तू ना गया हो, रात के 8:00 जा रहा हो और फिर झूठ बोल देगा कि टाइम इतना हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें गूगल पे टाइम दिखाया। गाइज तुम लोग ये कहो भी भाई मैगी 2 मिनट में बन जा, तो मैं बता दूं तुम्हें जंगल में मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, और मैगी बनाने में हमें कितनी मेहनत लग रही तुम देख सको भाई, कैसे धुआं आ रहा निकल के। ये लो गाइस ये देख लो भाई मैगी, और अभी तुम टाइम देख लो भाई, टाइम मैंने दोबारा रिफ्रेश कर दिया, 11:55 हो चुके हैं। मैगी सबको प्लेट में मिलने, ओ साफ कर ले भाई प्लेट गंदी है। गाइस सबको प्लेट में मैगी मिलने वाली है थोड़ी थोड़ी। गाइस अभी रात के 12:00 हुए हैं और हमारे हाथों में मैगी है, बीच में आग लग रही, और ये देख लो भाई अपने सारे खपीटर बैठ के आराम से मैगी खा रहे जंगल के बीच में रात के 12:00। अभी तुम्हें टाइम दिखा दूं, टाइम अभी दिखाया था यार 11:55 हो रही थी, तुम समझ सको 4-5 मिनट ऊपर है क्योंकि अब मैगी खाते हैं। दिखा दे भाई तू, दिखा दे टाइम, दिखा दे कितने बज गए, 12:00 पूरा 1 मिनट हो गया। कैसी बन रही भाई मैगी? बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा बढ़िया। ये भी तुम कोहरा देख लो भाई, कितना ज्यादा कोहरा आ गया, कोहरे में हम तुम कोहरे में आदमी भी नहीं चमक रहा, सामने बैठा हुआ आदमी ये देख लो, ये इधर बैठा भाई और इधर की साइड में से बस यही चमक रहा, लाइट लगी जिसपे, बाकी तुम दूर दूर तक ये देख लो भाई कुछ भी नहीं चमक रहा कुछ भी। गाइस अभी रात के 2:00 हुए हैं और हम सारे के सारे अपना सामान उठा के यहाँ से जंगल में को अंदर घुसते जाएंगे और देखते हैं भाई अंदर जंगल में जाकर कहीं स्टे करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे भाई एक जगह स्टे करना जंगल में बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। कौन है वहाँ? हम तो सारे यही है न, सारे यही हो सारे, तू वहाँ कौन है? ओ पिकू पकड़,
गाइस अभी वहां पता नहीं कौन है भाई, पानी में आवाज आ रही छप छप की। कौन सा वो कौन है गाइस, लग रहा कोई जंगली जानवर ही है। चलो गाइस अभी निकलते हैं भाई यहाँ से। रास्ता ढूंढ रहे भाई कहाँ को हम जंगल में घुस सके, क्योंकि यहाँ ना रास्ते भी नहीं है, रास्ते भी खुद बनाने पड़ रहे। चलो भाई ऊपर आजा, आजा ऊपर आ जल्दी आ भाई। जंगल में रास्ता ढूंढना कितना मुश्किल हो गया भाई आज पता लग रहा हमें। साउंड लाइट दिखा, सारे इकट्ठे हो लो एक जगह। पीकू हमें अपने आप ही रास्ता बता रहा भाई। ओए कम ऑन जल्दी आओ भाई, लाइट वाले जल्दी आ भाई। पीकू हमें रास्ता दिखा रहा, पीकू किधर जा रहा भाई, अबे इधर कहाँ जा रहा पीकू भाई। पीकू ऑटोमेटिक ही रास्ता दिखाता चल रहा, ये रास्ता मिलेगा हमें। चल 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 आजा पीकू। अरे अभी ये पता नहीं कैसी सुरंग है भाई, यहाँ ऐसी ऐसी सुरंग में सांप वगैरह या कोई सेह वगैरह हुआ है जो अंदर घर बना हुआ है अपना। गाइस कुछ ऐसा लग रहा है कि कब्र है, जैसे कोई दफन हो रहा हो यहाँ। इधर कहाँ जावे, ये तो रास्ता ब्लॉक है। यू चलो है रास्ता, जल्दी जल्दी आओ भाई सारे के सारे जल्दी। चल चल इधर कुछ है, इधर कुछ है भाई रास्ता ये रहा। चल अगू चल लाइट ले गए गाइस, लाइट वाला आदमी आगे रहे ना तो आगे सब कुछ चमकता रहे कि क्या है आगे भाई। अगे लाइट इधर की साइड में, ये कब्र है भाई जंगल के अंदर। ये हम ना, मुझे ऐसा लग रहा कि शमशान घाट कब्रिस्तान के अंदर भी घुस गए। इधर को नहीं, इधर को आ। ओह माय गॉड गाइस, एक कबर, दो कबर, तीन कबर। ओ भाई रात को हम कबर के पास घूम रहे भाई साहब। गाइस अभी तुम्हें टाइम दिखाता हूँ भाई, टाइम क्या हो गया, टाइम दिखा जल्दी। गाइस अभी टाइम देख लो भाई कितने हो गए यार, टाइम दिखा 2:09 और अभी भाई ये देख लो हम कबर के पास घूम रहे। अब भाई जल्दी से हमें अपने लिए कोई स्टे ढूंढना पड़ेगा और यहाँ कब्रिस्तान से निकलना पड़ेगा। ओ जल्दी चलो भाई, ओ जल्दी कम ऑन, ओ जल्दी। ओ भाई इधर की साइड में भी कबर। अबे भाई साहब हम कहाँ घुस गए यार, अबे कबर ही है या कुछ और सिस्टम है भाई। ओ भाई साहब ये सब कबर ही है क्या। नीचे को उतर लो, नीचे उतर लो भाई, नीचे उतर लो जल्दी। यार रास्ता इधर है, रास्ता इधर है भाई। लाइट लगा यार, लाइट वाले तेरा रास्ता नहीं दिख रहा क्या भाई। यार लोग ऐसा बतावे कि रात के 12 बजे से 2 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ है भूत। और भाई हम कब्रिस्तान के अंदर से निकलते हुए आए, मतलब हमें नहीं पता भाई ये कब्रिस्तान था या क्या था, कबर थी वहां पे, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कबर हो। अब गाइस कहीं स्टे करते हैं भाई, क्योंकि अपने आप ही ऑटोमेटिक सारे डरे हुए हैं। कहां घुस गए हम दोबारा भाई, अब हम तो दोबारा वापस जंगल में घुस गए भाई। भाई हमें स्टे करना था कहीं, स्टे करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही भाई। हां कहां गए यार भाई, कहीं भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, कहां जाके हम स्टे करें। ये देखो भाई कितना अंधेरा है, हम कितनी अंधेरी रात में घूम रहे हैं। और वो चंदा मामा ऊपर गाय जी भी रास्ते में ये पेड़ मिला भाई, ये देखो अभी टाइम दिखा दे तुम्हें क्या हो गया। पहले तो टाइम हो गया भाई 6:13 और गाइस हमने ना भाई चाय बना ली, चाय बनाने के लिए सारा सामान ढूंढना पड़ा। ओए वो ये देख लो भाई चाय का जुगाड़ करके क्या दिया, अब तुम अंदाजा लगा सको भाई ढूंढने में चाय के लिए लकड़ी ढूंढने में और भाई जुगाड़ करने में कितना टाइम लगा होगा। और इस टाइम हम लास्ट में चाय पी रहे हैं बैठ के, तो भाई 3-4 घंटे लग गए भाई इस काम को करने में। 8:25 और भाई दोबारा मैगी बना रहे क्योंकि मैगी बची हुई थी और यहाँ पे एंटी वगैरह सारी चीज़ मिल गई, अब ना आराम से मैगी बना रहे। गाय अपने पास चम्मच वगैरह तो खत्म होगी, तो भाई अभी जुगाड़ कर रहे ये जो हाँ ये चॉपस्टिक बना रहे। चॉपस्टिक बनाने के लिए ये ले लिया, अब इसे दोहरा कर लेंगे ऐसे और बन गई भाई चॉपस्टिक, अब इससे खाओगे भाई। मेरा
मजा आ गया भाई। गाइस अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहा कि रात कितनी ठंड हो रही थी, ये देख लो भाई वो उसका ऐसा पड़ी हुई है। फाइनली गाइस घर पहुंच गए थे, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बाय बाय, प्लीज लाइक जरूर कर दो, लाइक कर दो। वो चौपे मैन है, चौपे मैन।